हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रादौर में एक नशेड़ी ने सरकारी अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया है। नशे में धुत युवक ने एक ही रात में कई दुकानों में तोड़फोड़ की, जो कि सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। एक प्रभावित दुकानदार लवली गुप्ता ने बताया कि नशेड़ी युवक उनकी मार्केट के साथ लगती बस्ती का ही है। वहीं उसने पुलिस प्रशासन से भी इस नशेड़ी युवक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस प्रभावित दुकानदारों की शिकायत के आधार पर इस युवक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। जब हम सुबह आए तो हमने देखा कि यहाँ पे ये सारा ग्रिल का नुकसान हुआ है। सामने हमारा डिपो है, उसका भी जो हमने फॉर्मेलिटी लगा रखी थी कि राशन फ्री है और सोशल डिस्टेंसिंग पे रहिए, वो भी डैमेज किया हुआ था। तो हमने कैमरे में देखा कि बस्ती का ही एक लड़का है जिसने सारा नुकसान किया हुआ है, ग्रिल वगैरह का भी, और पीछे भी उसने काफी उत्पात मचाया। उसने दो तीन दुकानों का नुकसान है, और जैसे हमारे बाबा जी यहीं पे सोते हैं रात को, अगर जैसे उसके हाथ में स्टील के डंडे थे, अगर कोई भी उसके सामने आ जाता तो मैं भी जान का भी नुकसान हो सकता था। तो क्या मांग करें? यही मांग है कि सर के भाई पुलिस अपना थोड़ा सा ध्यान करे जी इस चीज पे, क्योंकि दुकानदार तो 4 बजे घर चले जाते हैं जी।